तो यार आज की वीडियो में ना बहुत ही गजब होने वाला है। एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसके पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस, आई थिंक ज्यादा, मतलब मैं इयर्स बोल जाता हूँ, जिन्होंने एक स्टार्टअप में काम किया, बैंगलोर में काम किया, अब दुबई में काम कर रही है उबर की एक कंपनी, Tier 3 कॉलेज से उठने का एक्सपीरियंस है। तो सारा एक्सपीरियंस है भाई, तुम्हें भी सीखने को मिलेगा, मेरे को भी सीखने को मिलेगा। तो आओ सब मिलकर सीखते हैं। उससे पहले लाइक कर दो इस वीडियो को, क्यों नहीं कर रहे हो, शेयर कर दो भाई लोगों को, एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को। कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, क्यों मैं ऐसी वीडियो बहुत सारी बनाता रहता हूँ। शुरू करते हैं, इंटरव्यू पे पहुंचते हैं सीधा। चलो तो यार सीधा चलते हैं योगिता के पास एंड उनसे पूछते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी अंदर की चीजें, एंड सीधा मतलब उनको ही ले आते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो में। चलो सीधा, एंड सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन तो लेना होता ही भाई, हर बंदे को बुला के इंट्रोडक्शन नहीं लिया तो क्या करा। तो आप थोड़ा सा बता दो अपने बारे में। हाय उमंग, हाय एवरीवन, मेरा नाम योगिता शर्मा है और मैं करीब में काम करती हूँ एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं दुबई में रहती हूँ। इसके पहले मैं बैंगलोर में रहती थी, वहाँ पे आई यूज टू वर्क फॉर अ स्टार्टअप Hansel.io। उसके भी पहले आई वर्क फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वेबयोग, और जर्नी तो TCS से स्टार्ट हुआ था, बट वहाँ पे मैंने सिर्फ 4-5 महीने काम किया एंड देन आई स्विच टू प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स। तो ये तो टेक जर्नी रही है, और शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, एक साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया सिस्टम डिज़ाइन के अराउंड, उसका नाम Pseudocode है। तो बस यही है इंट्रोडक्शन में, और पार्ट टाइम मैं मास्टर्स कर रही हूँ साथ में कंप्यूटिंग सिस्टम्स में, बिकॉज वो मेरा इंटरेस्ट एरिया है। तो ये यही है बस अभी तक की जर्नी। तो यार ये होते हैं प्रो लेवल लोग, जो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी और चीज़ों में लगे हुए हैं और करे जा रहे हैं। एंड तुम जर्नी सुन रहे हो ना, TCS हो गया, उसके बाद बैंगलोर में काम करना हो गया, अब दुबई का टेक, पूरा टेक इंडस्ट्री देखना हो गया, तो मतलब पूरा प्रो लेवल एक्सपीरियंस है। तो आज काफ़ी मज़े आने वाले, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले यार दुबई तो वेकेशन प्लेस के तरह मैंने सुना था, तो दुबई का कोडिंग कल्चर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कल्चर कैसा है? तो अभी भी इवॉल्व हो रहा है दुबई, और करीम इज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स यहाँ पे, अब तो उबर ने एक्वायर कर लिया है। तो टेक सीन उतना ज़्यादा नहीं है जैसा बैंगलोर में था, लेकिन ऐसा कह सकते हो कि जैसा बैंगलोर में 2013-14 में था, वैसा अभी यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे पेनेट्रेशन बढ़ गया है और लोग स्टार्टअप्स स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन अभी भी काफ़ी चीज़ों में बाकी है, तो वो सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी है, Noon.com, और डिलीवरी वाली, फूड डिलीवरी वाली काफ़ी सारी कंपनीज हैं, Zomato भी यहाँ पे ऑपरेशनल है, तालाबाद, हंगर स्टेशन, किटोपी, इस तरह की कंपनीज हैं, और करीम तो है ही, करीम इज़ अ वेरी बिग ब्रांड हियर। और यूजली लोगों को पता होता है कि करीम ऐसे इट्स लाइक अ राइड हेलिंग सर्विस, बट एक्चुअली वो सुपर ऐप है, वहाँ उसमें सब कुछ है, लाइक बाइक्स, फूड डिलीवरी, पेमेंट्स, बुकिंग सर्विसेज, काफ़ी कुछ है उसमें। और तो वैसा ही कल्चर भी है, ऑब्वियसली थोड़ा सा टैलेंट यहाँ पे फाइंड करना मुश्किल है क्योंकि उतने लोग नहीं हैं, नंबर ऑफ पीपल आर लेस, बट अब इवॉल्व हो रहा है काफी एंड पीपल आर लुकिंग फॉर गुड टैलेंट इन दिस रीजन। सो बेसिकली ये अभी बूम करने वाला है, तो मतलब बूम करने से पहले इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली यार तुम्हें आज, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आएंगी, और धीरे धीरे जो इवोल्यूशन होता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा चीजें मिलती हैं। सुपर ऐप के बारे में बात करी हमने, तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चाइना में सुपर ऐप्स काफी ज्यादा चल जाते हैं, यहाँ जापान टोक्यो में भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बट इंडिया में सुपर ऐप्स फेल कर गए थे, तो दुबई में क्या ये स्पीड पकड़ रहे हैं या फिर वही सेम हाल है, थोड़े दिन चलेंगे जब तक चीज़ें हैं नहीं और फिर फेल? अभी तक तो है, बट ऑब्वियसली मेरे पास में भी डेटा पॉइंट्स नहीं है बहुत, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद अडेप्टेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर सच में चाइना जैसे ग्रैब काम करता है राइट, तो अगर वैसा पावरफुल सुपर ऐप बनाया जाता है जो सच में सारा काम कर दे, आपको कोई और ऐप खोलने की जरूरत ही नहीं है, तो हो सकता है, बट ऐसा होता है ना कि इंडिया में हर एक ऐप का वो नीच बना हुआ है कि आप पेटीएम से खाना ऑर्डर नहीं करोगे जितना भी क्यों ना अवेलेबल हो जाए, आप Zomato से ही ऑर्डर करोगे, या आप कैब उबर या ओला से ही लोगे, कहीं और से बुक नहीं करोगे, इवन दो वो फैसिलिटी कोई ऐप आपको प्रोवाइड कराए। तो वो हर जगह का मार्केट अलग अलग होता है, बट यहाँ पे ऐसा है कि हाँ अभी तक तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। आई थिंक अगर पहले इन सारे स्टार्टअप्स के बनने से पहले एक सुपर ऐप बन जाए और वो ज्यादा पॉपुलर हो जाए, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की।
अब आपने TCS में काम किया है, बैंगलोर में काम किया है, तो वहाँ का एक वर्किंग कल्चर होगा अलग सा ही। एक आपने दुबई में अब काम कर रहे हो तो उसका वर्किंग कल्चर बिल्कुल अलग है। क्या आपको सिमिलैरिटीज लगती हैं और क्या डिफरेंस लगता है, मतलब प्रॉपर वर्किंग कल्चर में, ऊपर ऊपर से नहीं, बट जब आप रोज काम करने जाते हो या करते हो, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई नया काम मिलता है, कोई आप डेडलाइन पे पहुंचते हो, तो क्या डिफरेंसेस लगे आपको और क्या सिमिलैरिटीज लगी? अगर TCS से ही स्टार्ट करें तो TCS तो सर्विस बेस्ड कंपनी थी और आउट ऑफ 5 months 3 months तो ट्रेनिंग ही था मेरा, तो और उसके बाद भी 2 months तक आई वॉज ऑन बेंच, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था और ऑब्वियसली आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। तो वहाँ का तो एक्सपीरियंस बस मैं इतना शेयर कर सकती हूँ कि TCS की जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी हैंड्स ऑन करवा दिया था व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट टेस्टिंग एवरीथिंग। उसके बाद वेब्यो जो फर्स्ट कंपनी था वो B2B कंपनी था, तो B2B कंपनी का कल्चर B2C कंपनी से काफ़ी अलग होता है। डेडलाइंस इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी रोबस्ट होना चाहिए, बिकॉज एक बार आपका प्रोडक्ट चला गया, मैंने जिन प्रोडक्ट्स में काम किया वो लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, तो लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे IntelliJ इज ए लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्ट, राइट? तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट आपने बना के शिप कर दिया तो उसके बाद उसमें ज़्यादा आप एरर का चांस छोड़ नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो बगी है, क्योंकि आप सेल कर रहे हो किसी पेड यूजर को, तो आप बगी प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकते। तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो ठीक है, लेकिन B2C में लोगों को मार्केट कैप्चर करना होता है और काफ़ी सीधे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा होता है, तो थोड़ा सा एरर का मार्जिन रहता है कि हाँ चलो 95% सक्सेस रेट है या 98% सक्सेस रेट है, मगर डेडलाइन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि अगर आप टाइम पे काम खत्म नहीं करोगे तो इट विल इम्पैक्ट बिजनेस। तो ये डिफरेंस रहा है बैंगलोर के स्टार्टअप्स में और यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ B2C कंपनी, शायद बैंगलोर में B2C कंपनी होती तो वहाँ पे भी ये डिफरेंस होता। दूसरा डिफरेंस वर्क कल्चर में ये है कि इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करते हैं, मतलब थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आई फील कि इम्पैक्टेड रहता है, बट दैट कैन ऑल्सो बी ट्रू बिकॉज आई वॉज जस्ट अर्ली इन द करियर एट दैट टाइम। तो वेन यू आर अर्ली इन द करियर, आप जस्ट स्टार्ट किया है आपने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको काफ़ी आवर्स देने हो सकते हैं या आपको काफ़ी काम ज़्यादा करना हो सकता है टू बिल्ड योर रेपुटेशन एंड टू यू नो प्रूव योर सेल्फ, आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा हो ये प्रूफ करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रहता है वर्क लाइफ बैलेंस पे कि ओके आपका काम है तो आप स्ट्रेच करोगे, बट ऐसा इट इज़ नॉट ए नॉर्म टू स्ट्रेच, इट इज़ नॉट ए नॉर्म टू वर्क ऑन वीकेंड्स, मतलब नो बडी विल एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन हॉलीडेज, कोई आपसे वीकेंड पे काम एक्सपेक्ट नहीं करेगा, कोई आपसे शाम को 6-7 बजे के बाद भी काम एक्सपेक्ट नहीं करेगा अनलेस कि कुछ अर्जेंट है। तो आई थिंक कि आई एम वेरी हैप्पी कि वो वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, इंडिया में वैसा नहीं था, बट वो भी अच्छा पार्ट था बिकॉज उस टाइम पे वो स्टार्टअप में काम करने का वो फायदा होता है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे भी जो स्टार्टअप्स होंगी वहाँ पे भी लोगों को ज़्यादा पुश करना होता होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स में रिसोर्सेज कम रहते हैं, कम टाइम रहता है टारगेट्स मीट करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे ही था कि लाइक सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, रात को 9 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के लोगों के साथ ही चिल कर रहे हैं, तो वो स्टार्टअप ही आपका फैमिली बन जाता था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। और बाकी डेडलाइंस एंड ऑल तो सब जगह पर मोर और लेस सेम ही रहता है, लाइक यू हैव टू डिलीवर ऑन योर वर्क। अब कहने को तो जापान बदनाम है काम के लिए, ओवरवर्क के लिए, मतलब लोगों की डेथ्स हो रही है ओवरवर्क से, बट मैं भी अगर अपना एक्सपीरियंस दूँ ना तो इंडिया से तो बहुत बेटर है वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे भी वही सब चल रहा है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा काम करने को, ओवर टाइम में यहाँ पर आपको पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मैनेज होता है, फिर अगर आपको किसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं तो मैनेजर भी मैनेज करेगा कि कितना ओवर टाइम मिल रहा है। वो सब मेरे को लगा कि इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ख़राब है, मतलब मैं जितने अपने दोस्तों से बात करता हूँ रात को 1-1, 2-2 बजे तक मीटिंग्स चल रही होती हैं उनकी, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर काम ये होता है कि US में कोई कंपनी काम कर रही है उसका काम इंडिया में पटक दिया, कितनी बड़ी कंपनी हो तो उसमें फिर उन्हें रात भर मीटिंग करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं रहता उनका, तो ये लगता है मेरे को हाँ थोड़ा सा इश्यूज हैं। और काम तो भाई ज़्यादा कराते ही हैं इंडिया में, उसके फ़ायदे हैं नुकसान भी हैं, वो तो है। मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब सबका अपना अलग वो हो सकता है। अब इसमें मैंने एक आपका पॉइंट जो आपने बताया B2C वाला B2B वाला, ये मैं भी मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी जैसे टीम्स जो हैं, जैसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट संभाल रही है टीम, उनका एरर वही एरर ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे कोड फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं,
उनको इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है कभी कभी, कि अब रात में शाम को कोड फटा है, कुछ इशू आया है, तो आपको शाम को करना पड़ेगा, नहीं तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी एंड दैट वुड इफेक्ट द बिजनेस। हाँ, बट अगर कोई टीम है जो बैकएंड में चल रही है या कुछ सप्लाई चेन संभाल रही है या कुछ ऐसी चीज संभाल रही है जो डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग नहीं है, तो उनको हाँ थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है, कोई इशू है तो कल देख लेंगे, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। तो ये तो मेरे को भी यहाँ पे फील होता है ये वाली चीज़ तो। हाँ। अब आपने कहा कि ये जो आपने इतना मतलब सारे चेंजेस करे हैं TCS से यहाँ तक और फिर दुबई में भी पहुंचे, ऑल दो मैंने एक रीजन सुना था दूसरी वीडियो में आपका, बट क्या ये स्ट्रगल था टू फाइंड अ गुड जॉब और अ गुड पे? तो आपको क्या लगता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा हर टाइम एक गुड जॉब ढूंढना, कि क्या काम कर रहे हो आप वो उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो और मतलब वो सारी चीजें सेटिस्फाइंग हो, या फिर एक पे भी अच्छी होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस ले रही है, कि मतलब पे अगर बेटर होगी तो आई वुड गो देयर, या फिर वहाँ हो सकता है काम भी बेटर कराए मेरे से, तो क्या आपका क्या सोचना है? तो जो फर्स्ट जंप था TCS से वेब्यूब का, उसमें आई वॉज वेरी फोकस्ड कि यार पे अच्छी होना चाहिए, बिकॉज हम सबको पता है कितना TCS का कितना लो कॉम्पनसेशन, जो 20 साल पहले था आज भी वही है, मेरे टाइम पे भी वही था या थोड़ा बहुत चेंज आया होगा, तो वो काफ़ी कम था। और कम होने के साथ साथ वहाँ पे ये था कि लर्निंग कुछ भी नहीं थी, क्योंकि आप बेंच पर ही हो, आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिला है, तो आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली जो आपके करियर के इनिशियल ईयर्स हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, जिसमें आपको एक्सपोजर होना चाहिए, वो वेस्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरा फोकस था कि मुझे अच्छा काम चाहिए और डेफिनेटली अच्छा पे भी चाहिए, जो वेब्यूब में हुआ वहाँ पे काम भी बहुत अच्छा था और पे भी बहुत अच्छा था, मतलब TCS से जस्ट 3-4 times था, और एंड दैट कंपनी वॉज फेमस फॉर हायरिंग गुड इंजीनियर्स, तो मुझे लगा कि यार ये तो काफ़ी अच्छा है अगर यहाँ हो गया तो, बिकॉज वेब्यूग से निकल के सब लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में ही जाते थे, लाइक वहाँ से लोग Amazon, Google, Flipkart, काफ़ी, मैं जिस टीम के साथ काम करती थी और जो लोग दूसरे टीम्स के जो लोग वहाँ पे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग थे, तो ये उस टाइम पे मेरा फोकस था। फिर जो सेकंड जॉब चेंज था, उस टाइम पे मेरा फोकस बैकएंड इंजीनियरिंग में कन्वर्ट होना था, मतलब उस टाइम पे आई मेड लिटिल बिट पीस विथ लेस पे, जो वेबियोग के बाद जो स्टार्टअप ज्वाइन किया हैंसल, तो आई मेड अ पीस कि चलो थोड़ा कॉम्पनसेशन उतना नहीं है जितना मुझे एक्सपेक्टेड है, इट वॉज ओके, बट आई मेड ए प्रॉमिस विद द को फाउंडर कि मुझे बैकएंड का एक्सपोजर चाहिए, मुझे फ्रंट एंड में नहीं रहना है हमेशा, तो आई स्विच्ड दैट जॉब, फ्रंट एंड का काम थोड़ा जो मैंने प्रॉमिस किया था आई डिलीवर्ड, उसके बाद में दे गेव मी अ चांस एंड दे गेव मी लाइक थोड़ा उन्होंने ट्रस्ट किया कि चलो ठीक है बैकएंड का काम स्टार्ट कर दो, और वहां से फिर मैंने बैकएंड का काम स्टार्ट किया। तो वहां पे मैंने काम पे और स्ट्रीम पे फोकस किया, क्योंकि मेरा फोकस था अभी मैं बैकएंड में जितना जल्दी स्विच कर लूंगी उतना बेटर होगा, जितना डिले करूंगी उतना लेट होता जाएगा, टू मेक अ स्ट्रीम मूवमेंट। तो आई कॉम्प्रोमाइज ऑन द पे, बट वहाँ पे मेरी बहुत ग्रोथ हुई 3 साल हैंसल में, मैंने काफ़ी मेरा पूरा बैकएंड का जो भी फंडामेंटल्स हैं वहीं पर ही बिल्डअप हुए सारे। और दुबई का जो सीन था वो पर्सनल रीजंस थे, बिकॉज मेरे हस्बैंड का यहाँ पे एक कंपनी में हो गया था एंड इट वाज अ वेरी गुड कंपनी एंड ही वाज वर्किंग हियर, तो मैं दुबई में उस टाइम पे जब मैं दुबई में जॉब ढूंढ रही थी तो पे का ऑब्वियसली इंडिया से तो ज़्यादा ही होती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ कन्वर्शन, लेकिन मैं इतना फोकस नहीं थी उस टाइम भी पे पे, मुझे लग रहा था कि जितना दुबई का एवरेज है अगर मुझे एवरेज भी मिल जाएगा एज लॉन्ग एज आई गेट ए गुड बैकएंड इंजीनियरिंग जॉब तो सही होगा। तो मुझे कुछ जगह से फुल स्टैक का ऑफर मिला, फ्रंट एंड का ऑफर मिला, बट आई डिडंट टेक दैट, क्योंकि फिर करियर पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था मुझे, वो अपनी स्ट्रीम जो इतनी मुश्किल से चेंज की थी वापस उसमें नहीं जाना था। तो कुछ जगह मैंने इंटरव्यू नहीं किया बिकॉज मैच नहीं हो रहा था, बट आई वुड से कि आई वॉज लकी कि करीम में वो पोजिशन ओपन थी, किसी और को नहीं जाना था, उसने मुझे भेज दिया और इट मैच विद द प्रोफाइल एंड कॉम्पनसेशन तो लाइक अच्छा होता ही है, तो इट जस्ट मतलब दोनों चीजें अच्छी हो गई। बट हाँ, अगर आपका जो क्वेश्चन है कि आप पे देखते हो या काम देखते हो, तो इनिशियल ईयर्स में आई वुड से कि आप काम ज्यादा देखो, थोड़ा पे कम भी चलेगा। अगर आपने एक बार अपना फाउंडेशन अच्छा बना लिया तो अपने आप जैसे आपका एक्सपीरियंस 5-7 साल होगा, अपने आप आपका पे ज्यादा हो जाएगा, उसकी मतलब यू वुडंट हैव टू वरी अबाउट इट। बेसिकली बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और शुरू में ऑब्वियसली काम स्किल्स सीखने के लिए आपको काम बेटर चाहिए, पैसे से स्किल्स नहीं आएंगी। एग्जैक्टली। आपने जैसे बताया कि आप JEE में उतना अच्छा आप सक्सेस नहीं ले पाए एंड आपने नॉट टीयर वन कॉलेज ज्वाइन किया, तो क्या आपको लगता है अभी भी बिना टीयर वन कॉलेज ज्वाइन करे स्कोप उतना अच्छा है, या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है किसी इंसान को एक अच्छे लेवल पे पहुंचने, टीयर वन वाले बच्चे के प्लेसमेंट वाले लेवल पे, के उसको कोई और ऑप्शंस भी देखने चाहिए, ऐसा नहीं कि JEE ही है सब कुछ या फिर
टीयर वन कॉलेज ही है सब कुछ, उस पर आप क्या सोचते हो? हाँ देखो, ऐसा है कि आपको पूरे लाइफ में किसी एक डेकेड में ग्राइंड करना पड़ता है। जो लोग जेई क्लियर कर जाते हैं वो अपना शायद 8th-9th से 12th तक वाले 4-5 साल में बहुत ग्राइंड कर चुके होते हैं, पॉलिश हो जाते हैं एंड दे एंड अप इन गुड कॉलेजेस। तो वो गुड कॉलेजेस में जाके ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाई अलग टाइप की होती है, बस वो एक फिल्टर लेवल होता है। तो जो कंपनीज हैं, कंपनीज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार ये ऑलरेडी फिल्टर्ड लोग हैं, तो इसलिए उन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बेटर पैकेजेस मिलते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मैं वहां तक नहीं जा पाई या किसी टीयर वन कॉलेज तक भी नहीं जा पाई, तो मुझे फिर मेरे कॉलेज ईयर्स में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा टू स्टे एट देयर लेवल। फिर मतलब देखो, मैं अपना कॉलेज तो चेंज नहीं कर सकती, बट मैं अपना स्किल और नॉलेज लेवल चेंज कर सकती थी, तो मैंने उस पर बहुत हार्डवर्क किया। और मुझे एक सीनियर ने बोला था, मतलब ऐसे किसी कंपनी को डिमीन करने की बात नहीं है, बट मेरे मुझे एक सीनियर ने बोला था कि देखो, अगर तुम अपना एम बस TCS तक ही रखोगे तो तुम फिर कभी भी ऊपर नहीं जा पाओगे, तुमको फिर मतलब ना तो तुमको मतलब कॉम्पनसेशन के टर्म्स में भी तुमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और तुम्हारे स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। तो कोशिश करना कॉलेज के बाद या कॉलेज में ही कि किसी अच्छे कंपनी में जा पाओ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा पाओ। तो इवन दो मैंने ट्राई किया, बट कॉलेज में उस टाइम पे इतना कैंपस प्लेसमेंट होता नहीं था दूसरे कंपनीज का, सिर्फ TCS इन्फोसिस ही आता था। तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ा। तो जैसे कॉलेज के कुछ लेक्चर्स अच्छे होते थे तो मैं NPTEL से पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ाया, मैंने NPTEL के लेक्चर्स से डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेसेस, एल्गोरिदम सब कुछ मैंने उससे पढ़ाए। प्लस मैंने कुछ कुछ सर्टिफिकेशंस किए थे उस टाइम पे, CCNA वगैरह। तो ये सब करने के कारण क्या हुआ, सिर्फ ये सब करने की वजह से और कॉलेज में एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की वजह से जो वेव्योग था वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुआ, बिकॉज दे सॉ कि यार इवन दो दिस कैंडिडेट इज फ्रॉम ए टीयर 3 कॉलेज बट द वर्क शी हैज डन इज स्टिल एट पार एंड हेंस दे गेव ए चांस। तो वो हार्डवर्क करना पड़ जाता है आपको अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो। तो उसके बाद भी आप उस गैप को फिल नहीं कर सकते क्योंकि स्टिल देयर आर सम कंपनीज एंड देयर आर सम सर्कल्स वेयर द पेडिग्री मैटर्स अलॉट। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप टुमारो, दो लोग हैं, अगर किसी कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट बिट्स प्लानी से है या IIT से है या IIM से है, उनको जल्दी फंडिंग मिलेगी बिकॉज दे हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। टीयर 3 कॉलेज में ऐसा नहीं है कि टीयर 3 कॉलेज के बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों में से अच्छे लोग को फिल्टर करना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है किसी भी कंपनी के लिए या इन्वेस्टर के लिए। तो वो लोग ना जो एक डिफाइंड बैच है बस उस पर चले जाते हैं। तो अगर आप टीयर 3 कॉलेज में रह के भी कुछ अच्छा कर सकते हो, मेहनत करके अपनी प्रोफाइल स्टैंड आउट कर सकते हो, तो पीपल विल नोटिस यू एंड ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड शोकेस योरसेल्फ। तो आपको किसी एक ना एक डेकेड में तो मेहनत करना पड़ेगी, या तो आपको 12th के पहले करना पड़ेगी या आपको 12th के बाद करना पड़ेगी। और अब तो इट इज़ वेरी गुड कि देर आर सो मेनी स्टार्टअप्स इन इंडिया और इतना सारा लर्निंग कल्चर है कि इतने सारे लोग कोड शिफ्ट पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लीड कोड पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन कंपनीज लाइक Amazon एंड Google हैव नाउ यू नो स्टार्टेड ओपनिंग द डोर्स, जो कि अच्छी बात है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप मेहनत करोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, तो यू विल एंड अप एट ए राइट प्लेस। तो बेसिकली उतना मैटर नहीं करता क्योंकि टीयर 1 कॉलेज में भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट ये है कि अगर मेहनत करोगे तो टीयर 3 से भी हो सकता है, एंड कभी ना कभी तो ग्राइंड करना ही है लाइफ में। एग्जैक्टली, क्यों ना पहले कर लो या क्यों ना कॉलेज के बाद कर लो। एकदम एक फाइनल मैं पूछना चाहूंगा कि जो नए अब फ्यूचर कोडर्स आ रहे हैं या जो नए जॉब सीकर्स आ रहे हैं, उनको एडवाइस मिल तो रही है बहुत सारी, बट एक एक्सपीरियंस इंसान से नहीं मिल रही शायद, या फिर बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल्स बन गए मेरी तरह जो इनएक्सपीरियंस्ड एडवाइस ज़्यादा दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी मेन टिप्स हैं या एडवाइस जो आप देना चाहोगे एज पर मतलब आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको ऐड करते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपलोड करूंगी कि आप इतने ओपनली ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप इनएक्सपीरियंस्ड हो और आप एडवाइस दे रहे हो, बट स्टिल ऐसा नहीं है, शायद आप कुछ यूजफुल एडवाइस ही दे रहे होगे। बट हाँ, अभी क्या हो रहा है कि इतना सारा कंटेंट और नॉलेज है ऑन द इंटरनेट कि लोगों का कंफ्यूज होना बहुत आसान है। तो मैं बस ये एडवाइस दूंगी कि आप जैसे ही कॉलेज से निकलते हो एज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप रिसर्च में जा सकते हो, आप कंपेटिटिव कोडिंग में जा सकते हो, आप किसी बड़े कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हो, आप किसी छोटी स्टार्टअप में जॉब के लिए जा सकते हो, या फिर आप आगे पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो, मास्टर्स करने के लिए जा सकते हो, कुछ भी आप करने जाओ। आई वुड से कि फोकस एक जगह पे रखो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं कोड शिफ्ट भी कर लेती हूँ, मैं जॉब की तैयारी भी कर लेती हूँ, मैं मास्टर्स की तैयारी भी कर लेती हूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और वो पॉसिबल नहीं है वो सब करना। आपको पहले
एटलीस्ट आपको एक चीज पे फोकस रखना पड़ेगा. जैसे मेरा पहला फोकस था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लेना, उसके बाद फोकस था उस जॉब में अच्छा परफॉर्म करना, उसके बाद फोकस था बैकएंड स्ट्रीम में स्विच करना, उसके बाद फोकस था उस बैकएंड स्ट्रीम में एक्सपर्टीज गेन करना, जिसके लिए मैंने मास्टर्स चूज किया क्योंकि उस एक्सपर्टीज को थोड़ा लेवल अप करना था मुझे, राइट. तो आप ऐसे फोकस करो सिर्फ एक जगह पर और वही काम उसी स्ट्रीम में आप आगे बढ़ो. और कभी भी ये फर्स्ट टिप है. और सेकेंड टिप है, प्लीज कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो. हो सकता है कि आपके पास में कोच शेफ पे एक भी स्टार नहीं है, बट आपको के फंडामेंटल्स इतने क्लियर हैं और आपने अपनी जॉब में ऑन द जॉब इतना लर्न कर लिया है कि आप आफ्टर 5 ईयर्स जिस बंदे के 5 स्टार हैं उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ टू यू कि आज आपको कितना आता है, कल आपको कितना आएगा, परसों आपको कितना आएगा. ये सेकेंड टिप है. और थर्ड ये है कि पैकेजेस आर नॉट एवरीथिंग एंड फैंग इज नॉट एवरीथिंग. एंड ऐसा जैसे जेई इज नॉट एवरीथिंग वैसा ही. और ऑब्वियसली मैं ये इस रीजन से नहीं बोल रही हूँ बिकॉज इट डिडंट हैपन फॉर मी. ऑफकोर्स इफ यू गेट दोज टैग्स, इफ यू आर एबल टू यू नो रीच दोज कंपनीज, दोज कॉलेजेस, देन एब्सोल्यूटली इट इज वेरी गुड. बट इफ इट इज नॉट हैपनिंग फॉर वॉट एवर रीजन, दैट डज नॉट मीन कि ऑल्टरनेट ऑप्शन अच्छे नहीं है. देर आर ऑल्टरनेट ऑप्शन विच आर वेरी गुड. यू कैन बी पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप विच बिकम्स अ गूगल इन 10 ईयर्स. और दुनिया में जितना भी सारा काम है वो ये 4 कंपनीज अकेले नहीं करेंगी, बहुत सारी कंपनीज को मिलके बहुत सारा काम करना होगा. तो फोकस ऑन योरसेल्फ बिकमिंग ए गुड इंजीनियर बिकॉज द मिस्टेक व्हाट एवरीवन मेक्स इज यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद अ कंपनी. यू शुड नॉट डू दैट. यू आर नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज दैट कंपनी एग्जिस्ट. कंपनीज लाइक दैट आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू. तो अगर आप अच्छे हो तो आप जिस जगह पे जाओगे वो जगह आप जैसे और लोगों के कारण अच्छी बन जाएगी, फेमस हो जाएगी. हार्वर्ड इज फेमस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल हु गो देयर. इट्स नॉट कि वो हार्वर्ड में जाके समथिंग हैपन टू देम एंड दे केम आउट एज ए न्यू वर्जन ऑफ देमसेल्फ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. तो आई वुड जस्ट से फोकस ऑन योरसेल्फ. डोंट आइडेंटिफाई योर सक्सेस विद ब्रांड्स, आइडेंटिफाई योर सक्सेस विद योरसेल्फ. तो काफ़ी बढ़िया टिप थी. मतलब मैं भी खुद एडवाइस इसको लूँगा और अपने जितनी भी चीज़ें हैं उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा. तो थैंक यू सो मच आने के लिए. आपने इतनी सारी चीज़ें बताई. मतलब एक्सपीरियंस का फ़ायदा होता है. मतलब वो जो लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, इंसान से बात करो तो वो बताता है सही इन्फॉर्मेशन. उसने देखी होती है दुनिया, इन्होंने लिटरली दुनिया देखी है क्योंकि अभी दुबई में है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल. ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर उमंग. आई होप ये सब कॉन्वर्सेशन हेल्प्स पीपल आउट देयर. तो यार इनका चैनल जरूर देखना, सूडो कोड. मतलब अगर तुम्हें सिस्टम डिजाइन समझना है ना, जो मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें ढंग से समझना है, ढंग से चीज़ों को पता करना है, और सिस्टम डिजाइन तुम्हारे एक्सपीरियंस वाले जो इंटरव्यूज हैं उनमें बहुत ज्यादा काम आएगा, तो इनका चैनल जरूर चेकआउट करना. डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड टाइटल में भी तुम्हें टैग मिल जाएगा. तो आई होप यार तुम्हें ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा एंड योगिता ने जितने एक्सपीरियंसेस बताए, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करी, नॉलेज दी, तुम्हें बहुत मजा आया होगा. तो कैसा लगा ये इंटरव्यू कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना. लाइक कर देना वीडियो को, अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को ये चीज़ें बताने के लिए. सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और ऐसी सारी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए. मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ.